कानपुर से आगरा जा रहे थे 37 बटालियन के जवानों को वहां गुरुवार को जसवंत नगर थाना क्षेत्र के NH2 हाईवे पर रोडवेज बस से भिड़ंत हो गई, जिसमें सवार चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि दो चोटिल हो गए। जवानों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। SP सिटी कपिल देव सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही सभी घायलों को इलाज के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया और मामले की जाँच की जा रही है। थाना जसवंत नगर क्षेत्र में एक गांव है कुरसेना हाईवे पर, उसी के सामने PAC 37 बटालियन PAC ड्यूटी के लिए जा रहे थे जवान लोग और रोडवेज की बस भी पीछे पीछे जा रही थी। एक दो पहिया वाहन सवार को बचाने के उसमें एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगण गए थे और घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया है। बस में बहुत मामूली रूप से घायल थे तो उनको भी प्राथमिक इलाज के बाद उनको भी जाने दिया गया है। प्रकरण में चार PAC के जवान मैं ड्राइवर घायल हुए हैं, वो खतरे से बाहर हैं और उनका अच्छी प्रकार से इलाज कराया जा रहा है। अभी तक जो है किसी तरफ से कोई अभियोग आज पंजीकृत नहीं किया गया है। पुलिस इस प्रकरण में न्यायोचित कार्रवाई कर रही है।